गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू स्टैंडर्ड सेकेंड. टेक इट आउट दिस मेरी गोल्ड वर्कबुक ऑफ इंग्लिश. इसमें आपको पेज नंबर 64, यूनिट 8, चैप्टर नंबर 1, आई एम अ म्यूजिक मैन, जो म्यूजिक मैन की पोयम जो एक्सप्लेन की थी आपको, उसका वर्क आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है. तो वर्कबुक में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं आज. व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले. ऐसा दो इंस्ट्रूमेंट बच्चों क्या था, मैंने आपको चैप्टर समझाया था कि वो प्ले कर रहा था. द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड अ ड्रम, पियानो और ड्रम बजा रहा था. क्वेश्चन नंबर टू, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम. म्यूजिक मैन कहाँ से आया था, म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से आया था. क्वेश्चन नंबर बी, टेक द करेक्ट आंसर. हु इज द मैन, इसमें मैन कौन था, अ म्यूजिक मैन, अ ब्लैक स्मिथ, अ स्नैक चार्मर और वुड कटर. क्या था, अ म्यूजिक मैन, तो उस बॉक्स में टिक करो. द म्यूजिक मैन कैन प्ले, म्यूजिक मैन क्या बजा रहा था, ड्रम एंड बैंड, पियानो एंड ड्रम, ड्रम एंड तबला, तबला एंड बैंड. तो क्या बजा रहा था, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देख लिया, पियानो एंड ड्रम, तो उसमें टिक करो. ट्रू और फॉल्स, सही और गलत. द पोयम इज अबाउट अ म्यूजिक गर्ल, ये जो पोयम है वो म्यूजिक गर्ल की थी बच्चों, नहीं, गलत, फॉल्स आएगा. क्या था, म्यूजिक मैन की पोयम थी. द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम फार अवे, म्यूजिक मैन बहुत दूर से आ रहा था, सही, यस, राइट, ट्रू. म्यूजिक मैन प्लेज द गिटार, म्यूजिक मैन गिटार बजा रहा था, रॉन्ग. क्या बजा रहा था बच्चों, पियानो एंड ड्रम. पियानो साउंड्स लाइक बूमडी 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 बूम, पियानो में से बूमडी बूमडी आवाज आ रहा था, नहीं, गलत, पिया पिया आवाज आ रहा था, तो इसमें लिखोगे फॉल्स. क्वेश्चन नंबर डी, मैच द फॉलोइंग. आपको इसमें क्या करना है कि तीनों कॉलम में से एक पूरा आपको सेंटेंस नीचे की ओर बनाना है. कि जैसे अ फार्मर, तो फार्मर क्या करता है, तो कॉलम नंबर बी में से आप से चूज करो, अ फार्मर वर्क इन द फील्ड. फार्मर कहां पर काम करते हैं, फील्ड में. फिर क्वेश्चन टू, अ सोल्जर वेयर्स अ यूनिफॉर्म. ये बच्चों एक्सरसाइज हमने टेक्स्ट बुक्स में की है, वो ही ऐसा सेम टू सेम यही एक्सरसाइज आपको वर्कबुक में करनी है, ठीक है. फिर क्या है, हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन यू फाइंड इन द इन दिस मेज, ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट फोर. यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि तबला, गिटार, ढोलक, वे सभी को दिया है. वो आपको इस स्पेलिंग को इसमें से ढूंढना है और राउंड करना है. टर्न अ पेज नंबर 66 पे, चेंज दिस वर्ड फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. यहाँ पर आपको वर्ड सभी सिंगुलर में दिए हैं, सिंगुलर में से आपको किस में बदलना है, प्लूरल में. प्लूरल मतलब क्या होता है और सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर मतलब जब हम एक चीज़ के बारे में बात करें तो वो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल. तो यहाँ पर बीच, तो बीचिस, सभी के स्पेलिंग के पीछे ई एस और एस लगेगा. ग्लास, ग्लासेस, बस, बसेस, डियर, तो डियर का डियर ही होता है. टूथ, तो टीथ हो जाता है, टी डबल ओ की जगह टी डबल ई. वुमन, वुमैन, ऑक्स, ऑक्सन, मैन, मैन में एम ए आता है, तो यहाँ पर एम ई मैन. ब्रश, ब्रशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टोमेटो, टोमेटोज के पीछे ई एस. शीप का स्पेलिंग वैसा का वैसा. गूस, तो क्या हो जाता है, गीज. माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, क्लास का क्लासेस. ओके, क्वेश्चन नंबर ई, एनसर्कल द वर्ड्स विच आर अ करेक्टली स्पेल. यहाँ पर आपको तीन स्पेलिंग दिए हुए, नंबर वन में तीन स्पेलिंग है, तो उसमें से अवे का स्पेलिंग कौन सा सही है उसके ऊपर आपको राउंड करना है. और
क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्कस एंड राइट। यहाँ पर टू क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो अपने तरीके से करना है, अपने तरीके से जवाब लिखना है मम्मी पापा के साथ डिस्कस करके। क्या लिखा है? इफ़ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू। जो म्यूजिक मैन आपके घर पर आए तो आप क्या उसको कहेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो बजाए, वो आपको जो इंस्ट्रूमेंट आपको मनपसंद है वो इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। What do you like to learn, music, dance or karate? यहाँ पर ऑप्शन दिए है कि आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है या कराटे। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है उसका स्पेलिंग देखकर यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। तो वैसे पेज नंबर 64, 65 और 66 वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है। पीडीएफ में से देखकर आपको ये पूरा कंप्लीट वर्कबुक करनी है। थैंक यू।